This is the future. Evolution. दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 ग्रेट साइंस फिक्शन मूवीज को, जिन्हें आप YouTube पर फ्रीली वॉच कर सकते हैं, और इन सभी मूवीज़ के लिंक्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारी की सारी मूवीज़ बेस्ट होने वाली हैं, क्योंकि इन मूवीज़ में आपको नेक्स्ट लेवल का साइंस फिक्शन देखने को मिलने वाला है। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि इन मूवीज़ को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है। बाई चांस अगर ये मूवीज़ रिमूव हो जाती हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से इन मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, और साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, साथ ही बेल आइकन दबाओ, ताकि आप कोई भी बेहतरीन हॉलीवुड मूवी मिस ना कर सको। तो फिर विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मूवीज का काउंटडाउन। उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वो एक बिन तराशा हुआ हीरा है, लेकिन वो काफी अलग है। वो बहुत खूबसूरत है, एक अजूबा है। नंबर 10 पे एक बेहतरीन फैमिली एनिमेशन मूवी जिसका नाम है डिस्पिकेबल मी 1। ये मूवी आई थी 2010 में, जिसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। आप लोग कह रहे होंगे कि ये मूवी तो बच्चों वाली मूवी है, एनिमेशन मूवी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस मूवी में आपको नेक्स्ट लेवल का साइंस फिक्शन और बेस्ट स्टोरी देखने को मिलने वाली है। गाइज, ये एक फिल्म सीरीज है जिसमें अब तक टोटल 3 मूवीज़ बन चुकी हैं और तीनों की तीनों मूवीज़ हिट रही हैं। तो अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो फिल्म की कहानी बेस्ड है ग्रू नामी साइंटिस्ट के ऊपर, जो बहुत ही बड़ी रॉबरीज करता है और बड़े से बड़े मुश्किल काम को 2 मिनट में सॉल्व कर देता है। लेकिन इसे पता नहीं होता कि इसकी लाइफ में एक खतरनाक विलन की एंट्री होने वाली है। इस फिल्म को बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। It's so fluffy! नंबर 9 पे एक बेहतरीन एक्शन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है RIPD, यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। यह मूवी आई थी 2013 में, जिसे IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक बोस्टन पुलिस के ऑफिसर से, जिसका नाम होता है निक वॉकर, जिसे उसका एक फ्रेंड उसे धोखे से मार देता है। निक वॉकर के मरने के बाद वो रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे मरे हुए लोगों की जेलों से भाग जाते हैं खतरनाक भूत, और वो वहाँ पे उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। तो गाइज, इस फिल्म के अंदर आपको एक अलग ही लेवल का फिक्शन देखने को मिलने वाला है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 8 पे है रियल स्टील। ये मूवी आई थी 2011 में, जिसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। साथ ही वोट मिले रोटेन टोमेटोज की तरफ से 60% के। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि अब रोबोट्स बॉक्सिंग रिंग के अंदर लड़ते हैं। अब कहानी फोकस करती है चार्ली और एक छोटे बच्चे के ऊपर, जो एक कचरे से उठाए रोबोट को कैसे चैंपियनशिप जिताते हैं। तो इस फिल्म के अंदर आपको रोबोट्स की बेहतरीन फाइट देखने को मिलने वाली है, साथ ही नेक्स्ट लेवल का साइंस फिक्शन भी देखने को मिलेगा। तो डोंट मिस दिस मूवी, मस्ट वॉच। नंबर 6 पे एक्समैन एपोक्लिप्स। ये मूवी आई थी 2016 में, जिसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे इंसान से, जो इजिप्ट के अंदर हजारों सालों से सो रहा था, जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं। तो अब वो खतरनाक इंसान जाग चुका है और मिटाना चाहता है इस दुनिया को। वो इंसानों को कहता है कि मैं गॉड हूँ और मुझे गॉड मानो, लेकिन इंसान उसके सामने नहीं झुकना चाहते। तो इस फिल्म के अंदर आपको एक्समैन की टीम उसे रोकते हुए दिख जाएगी। गाइज, ये भी एक बेस्ट साइंस फिक्शन एक्शन बेस्ड मूवी है, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नंबर 6 पे एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है मोर्टल इंजिंस। ये मूवी आती है 2018 में, जिसे IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। साथ ही गूगल ने 69% के लाइक भी दिए हैं इस फिल्म को। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, जहां पर अब बड़े बड़े शहर व्हीकल्स पर चलते हैं। अब जो इंसान जो है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। फिल्म की स्टोरी फोकस करती है एक लड़की के ऊपर, जिसे एक इंसान को मारना होगा, क्योंकि उस बंदे ने बचपन में उसकी माँ को मार दिया था। तो लड़की उस इंसान को इस फिक्शन वर्ल्ड के अंदर मार गिराएगी कि नहीं, ये सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी एक बेहतरीन फिल्म है, जिसमें आपको एक अलग ही लेवल का साइंस फिक्शन देखने को मिलेगा। सूरत है, एक अजूबा है, और बहुत बहुत अनोखी। नंबर 5 पे एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है एक्स मशीना। ये मूवी आई थी 2014 में, जिसे IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है।
गाइज ये एक बेहतरीन मूवी है जिसमें आपको एक अलग ही लेवल का साइंस फिक्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है कैसे इंसान से जिसे एक फीमेल आर्टिफिशियल रोबोट को प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं होता कि इस काम को करने के बाद उसके सामने बहुत सारी मिस्ट्रीज रिवील होंगी। तो अब वो इंसान क्या करता है और इस रोबोट के साथ आखिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। What will happen to me if I fail your test? नंबर 4 पे एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है गोस्ट इन द शेल। ये मूवी आई थी 2017 में जिसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर आपको बेहतरीन साइंस फिक्शन एक्शन देखने को मिलेगा। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, जहां पर पहली साइबर ह्यूमन टेररिज्म को रोकने के लिए बनाई जाती है जिसका नाम होता है मीरा। क्या होगा अगर एक इंसानी दिमाग को रोबोट के अंदर फिक्स किया जाए? सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मीरा के सामने बहुत सारी मिस्ट्रीज रिवील हो जाती हैं। तो उसके बाद कहानी एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है जो आपको देखना बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये भी एक बेस्ट मूवी है जो आपको फिक्शन वर्ल्ड के अंदर ले जाके छोड़ देगी, जहाँ से आपका वापस आ पाना मुश्किल होने वाला है। नंबर 3 पे एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है वेनम। ये मूवी आती है 2018 में जिसे IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एडी से जिसकी लाइफ नॉर्मल नहीं चल रही होती, पर तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है वेनम की, जो एक एलियन होता है और वो इंसानों से बचने के लिए एडी के ऊपर हावी हो जाता है। जिसके ऊपर भी विनम हावी होता था वो इंसान मर जाता था, लेकिन एडी इसे बर्दाश्त कर लेता है और इसकी एडी से फ्रेंडशिप हो जाती है। तो एडी और विनम मिलकर इस दुनिया को कैसे बचाते हैं, यही सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इस फिल्म का पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने विनम लेट देयर बी कार्नेज नहीं देखा तो देख लेना। गाइस ट्रेलर की बात कर रहा हूँ तो अब बात करते हैं नंबर 2 की मूवी की जिसका नाम है प्रोमीथियस। मूवी आई थी 2012 में जिसे IMDb ने 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइज ये एक बेहतरीन नेक्स्ट लेवल की एक्शन साइंस फिक्शन और एडवेंचर मूवी है। अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि इंसानों को किसने बनाया है तो इस फिल्म को मिस मत करना। तो कहानी स्टार्ट होती है कुछ लोगों से जो जानना चाहते हैं कि इंसानों को आखिर किसने बनाया है। तो वो निकल जाते हैं स्पेस में ये जानने के लिए कि इंसान आखिर कैसे बना है। इस सफर में उनके सामने ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज रिवील होती हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। गाइज मूवी देखने लायक है जिसे आप लोगों ने जरूर वॉच करना है। फाइनली गाइज नंबर 1 पे एक बेहतरीन फिल्म सीरीज जिसका नाम है द हंगर गेम्स। ये मूवी आई थी 2012 में जिसे IMDb ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। गाइज ये एक फिल्म सीरीज है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है और इसके अंदर अभी तक टोटल 4 मूवीज बन चुकी हैं और हिट भी रही हैं। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो अपने भाई की जान बचाने के लिए एक जानलेवा खतरनाक कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा ले लेती है। तो लड़की उस कॉम्पिटिशन को जीत पाती है कि नहीं, यही सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक वाले बटन को धो डालो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।